दोस्तों, जैसे घर हमें इंसानों की बुनियादी जरूरतों में से एक है, वैसे ही पक्षियों के लिए उनके घोंसले हैं। ये रंग बिरंगे पक्षी अपने अंडों और चूजों के उचित पालन पोषण और संरक्षण के लिए खूबसूरत और कलात्मक घोंसले बनाते हैं, जो इनके लिए सुरक्षित आश्रय स्थल होते हैं। दोस्तों, ये घोंसले जहाँ दूसरे जानवरों, बारिश और दूसरे मौसम में पक्षियों को आराम करने की जगह देते हैं, वहीं इनमें पक्षी निश्चिंत होकर अपने अंडे भी दे सकते हैं। प्रत्येक जाति का पक्षी अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार अपना घोंसला बनाने की जगह का चुनाव करता है। दोस्तों, पक्षियों के घोंसलों की कई किस्में देखने को मिलती हैं। उबड़ खाबड़ घोंसले, कप के आकार के घोंसले, पेड़ पे लटके हुए घोंसले, पेड़ की घनी पत्तियों व तनों, पुराने भवनों, खंडहरों तथा नदी के किनारे रेत में बने घोंसले। कुछ पक्षी अंडे देने से कुछ समय पहले ही घोंसले बनाते हैं और वहीं रहते हैं, उसके बाद वे दूसरी जगह उड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग बर्ड नेस्ट लेके आए हैं, जो दिखने में बिल्कुल असाधारण है और जिन्हें देखकर आप सरप्राइज हुए बिना नहीं रह पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट काले रंग की छोटे आकार की बर्ड्स होती हैं। यह अंडमान निकोबार, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी में पाई जाती हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट अपना घोंसला लंबी लाइमस्टोन गुफाओं में बनाती हैं। इनका घोंसला इको फ्रेंडली होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबी और 80 ग्राम वजन की होती हैं। दोस्तों, इनका घोंसला इंसानों द्वारा भी खाया जाता है। इनके घोंसले चाइना के फेमस कुजींस में से एक हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट अपना घोंसला अपने सॉलिफाइड सलाइवा से बनाती हैं, और जब इनके घोंसले पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सोने जैसे रंग के हो जाते हैं। इसीलिए इनके घोंसलों को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो मार्केट में $4,000 तक में बिकता है। दोस्तों, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट अपना रास्ता साउंड वेव्स के जरिए खोजते हैं। नंबर 9, अफ्रीकन जकाना। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये पक्षी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकन जकाना बगुले की तरह लंबे पैरों के पक्षी होते हैं, और ये भी पानी में रहने वाले जीवों को अपनी लंबी चोंच से पकड़ के शिकार करते हैं। अफ्रीकन जकाना भी पानी पे तैरते हुए घोंसले बनाने के लिए फेमस है। ये पानी की सतह पे पत्तों से अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। अफ्रीकन जकाना प्रजाति में फीमेल जकाना की लंबाई मेल जकाना से अधिक होती है। इन परिंदों की खास बात यह है कि अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं और कभी कभार हवा में उड़ान भरते हैं। अंडों से निकलने पर अपने बच्चों को ये अपने बड़े पंखों में छिपाकर रखते हैं। ये सिलसिला 4 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक चलता है। इस तरह ये अन्य जानवरों से अपने बच्चों को बचाते हैं। नंबर 8, कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, कॉमन टेलर बर्ड अपने यूनिक घोंसलों के लिए फेमस है। ये एशिया के ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। दोस्तों, उन्हें अपने घोंसले बनाने की कला के कारण दर्जी भी कहा जाता है। ये अपना घोंसला पत्तियों, एयर स्पाइडर वेब्स को मिलाकर बनाते हैं। ये पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों को आपस में सिलकर उनमें घास और प्लांट फाइबर भर के अपने घोंसले बनाते हैं। पत्तों को मकड़ी के जालों से सिलकर अपने घोंसलों को बनाने की कला के कारण ही इन्हें टेलर बर्ड कहा जाता है। नंबर 7, लिटिल ग्रीब्स। दोस्तों, लिटिल ग्रीब्स बत्तख की फैमिली के ही एक छोटे आकार के पक्षी हैं। इसे डैब चिक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लिटिल ग्रीब्स 10 इंच लंबे और खुले पानी वाली जगहों पर पाए जाने वाले पक्षी हैं। ये एक्सीलेंट स्विमर और डाइवर होते हैं, और छोटी मछलियों और अन्य जलीय जीवों का शिकार करते हैं। ये छोटे समूहों में रहते हैं और पानी के किनारे पे अपने घोंसले बनाते हैं। ये अपने घोंसले पानी में ही उगने वाली घास और पत्तियों से बनाते हैं। इससे पानी का स्तर बढ़ने या बहाव तेज होने पे भी इनके घोंसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये 6 से 7 अंडे एक साथ देते हैं, और यूरोप, एशिया, न्यू गिनी और अफ्रीका में पाए जाते हैं। नंबर 6, तीतर। दोस्तों, तीतर एक जंगली पक्षी है। इसे झाड़ियों में रहना काफी पसंद है। इसके शरीर का रंग भूरा होता है। कई प्रदेशों में ये काले रंग का भी पाया जाता है। तीतर झाड़ियों में आसानी से छुप सकता है। तीतर जमीन पे काफी तेज दौड़ते हैं, क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता कम होती है। तीतर हमेशा कम झाड़ियों वाले मैदानों में ही अपना निवास बनाता है। अन्य पक्षियों की तरह तीतर पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये छोटी झाड़ियों की तली में अपना घोंसला बनाता है। इसका पसंदीदा भोजन दीमक, कीट पतंगे तथा कीड़े मकोड़े होते हैं। तीतर के पंजे काफी नुकीले होते हैं। इनके पंजों में एक नुकीला कांटा पाया जाता है, जिसे खार कहते हैं। तीतर अपने विरोधी पे इसी खार से वार करते हैं। तीतर की आवाज काफी तेज और कर्कश होती है। इसके अजीब रंग के कारण इसे मैदानों में देख पाना मुश्किल हो जाता है। एक वयस्क तीतर का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। प्रजनन काल में मादा तीतर 5 से 8 अंडे देते हैं। नर तीतर अंडों को सेता है। इनका जीवन काल औसतन 8 वर्ष का होता है।
नंबर 5 स्मॉल ब्लू किंगफिशर। दोस्तों किंगफिशर मछलियों का शिकार करने के लिए फेमस है। ये नदियों समुद्रों के ऊपर घंटों उड़ते रहते हैं और मौका मिलने पे उनका शिकार कर लेते हैं। ये अकेला रहना पसंद करती हैं। ये अक्सर पानी के स्रोतों के पास देखे जा सकते हैं, जैसे नदी, तालाब, पानी भरे गड्ढे आदि के आसपास के पेड़ों की डालों या तारों पर। ये पूरे भारत में पाई जाती हैं। ये नदी के आसपास की नर्म जमीन को खोदकर सुरंगनुमा घोंसला बनाती हैं, जो करीब 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और आगे जाकर चौड़ा हो जाता है। यहीं वो अंडों को सुरक्षित रखती हैं और एक बार में 5 से 7 अंडे देती हैं। और जब तक अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए उन अंडों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। नंबर 4 बाज। दोस्तों बाज या ईगल पक्षियों में सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। अपने लंबे पंखों और मजबूत चोंच से अपना शिकार करते हैं। दोस्तों बाज बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं और अपनी तेज आंखों से जमीन पर रहने वाले सांप, चूहों और अन्य जानवरों पे बड़ी तेजी से हमला कर उन्हें घायल कर अपने मजबूत पंजों से उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों बाज के घोंसले हमेशा ऊंचे ऊंचे वृक्षों पे या कहीं ऊंची और सुनसान पठारों पे ही देखे जाते हैं। ये सुंदर और बहुत खूबसूरत घोंसला नहीं बनाता, सामान्य रूप से झाड़ और सूखी लकड़ियों से अपना घोंसला बनाता है। कभी कभी इनके घोंसलों में नुकीली लकड़ियां भी होती हैं, जिससे घोंसलों पर कोई शत्रु एकदम से आक्रमण करने या झपट्टा मारने का साहस नहीं कर पाता। एक और बात, जिस वृक्ष पे बाज अपना घोंसला बनाता है उस पेड़ पे कोई दूसरा पक्षी घोंसला नहीं बनाता। इसका कारण ये हो सकता है कि बाज से सभी छोटे पक्षी डरते हैं। नंबर 3 स्वान। दोस्तों स्वान सफेद रंग के बड़े आकार के पक्षी होते हैं। ये हंस की प्रजाति के ही पक्षी होते हैं। ये तालाबों, नदियों में मौजूद छोटे जानवरों का अपनी लंबी चोंच से शिकार करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्वान पक्षी पानी पे तैरने वाले घोंसले बनाते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार से बुनते हैं कि पानी की किसी भी अवस्था में घोंसले सदा तैरते रहें। वे अपने घोंसले बनाने के लिए जलीय पौधे, पानी वाली घास और कुछ हल्की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और घोंसला बन जाने पर उसे सूखी घास से भर देते हैं। ये घोंसले इतने बारीक तरह से बने होते हैं कि उनके अंदर तालाब या नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। वे उसकी निगरानी भी करते हैं तथा समय आने पर शत्रु पर आक्रमण भी करते हैं। ऐसे पक्षी दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 2 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल एक साधारण हॉर्नबिल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। ये सर्वाधिक वनस्पतिक पक्षी है जो आमतौर पर जोड़े में दिखाई पड़ते हैं। इनमें पूरे शरीर पे ग्रे रंग के रोए होते हैं और इनके पेट का हिस्सा हल्का ग्रे या फीके सफेद रंग का होता है। दोस्तों हॉर्नबिल पक्षी अपनी लंबी चोंच के लिए जाने जाते हैं। इनकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि ये आसानी से पेड़ों के तनों को छेद कर वह अपना घोंसला बना लेती हैं। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल नामक पक्षी पुराने वृक्षों के तनों में अंडे रखते हैं और जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तब मादा तने के अंदर बैठ जाती है। वह नर उसके मुंह या छेद को मिट्टी, पत्तों, तिनका तथा विष्ठा से ढक देता है। हवा मिलने के लिए घोंसले के मुंह पे छोटा सा छेद रहता है, जिससे उन्हें सांस की कोई तकलीफ नहीं रहती और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत के अनुसार घोंसले में आता रहता है। बच्चे तैयार होने तक मादा के लिए दाने पानी की व्यवस्था नर पक्षी करता है। अंडों से बच्चे निकलने पर नर मादा दोनों सामूहिक रूप से बच्चों का दाना पानी खिलाते हैं। नंबर 1 वया पक्षी। दोस्तों वया पक्षी अपने सुंदर सुराहीनुमा घोंसलों के लिए ही जाना जाता है। ये घोंसले ताड़ के वृक्षों, नदियों और तालाबों के किनारे पानी की तरफ झुके पेड़ों की पानी छूती टहनियों, कटीली झाड़ियों के झुरमुटों आदि में लटकते देखे जा सकते हैं। दोस्तों ये घोंसले इतनी सफाई से बने होते हैं कि उनके सामने मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी चीज फीकी लगती है। बया के घोंसलों का द्वार नीचे की ओर बढ़ी हुई नली में रहता है ताकि बिल्ली, सांप आदि इनमें प्रवेश न कर सकें। घोंसले की भीतरी सतह पे गीली मिट्टी लीपकर बया उसे जलरोधक बना देती है। इससे भीषण से भीषण बारिश में भी घोंसले के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं घुस पाती। घोंसला पेड़ की शाखा के साथ इतनी मजबूती से बंधा होता है, तेज से तेज आंधी तूफान से भी वो नहीं गिरता। बया पक्षी घने वनों का पक्षी है और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी एक ही पेड़ पे इनके सैकड़ों घोंसले देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।